आजकल लोगों को मीठे से ज्यादा नमकीन खाना पसंद है, इसीलिए कई बार अगर आप चिप्स का एक पैकेट खाते हैं तो थोड़ी देर बाद ही फिर से आपको कुछ नमकीन खाने का मन करने लगता है। अधिकतर लोगों का कहना है कि उन्हें पता ही नहीं कि क्यों दिन भर कई बार नमकीन वाली चीजें खाने की भूख ज्यादा हो जाती है, लेकिन इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है क्योंकि हो सकता है कि इससे आपके सेहत से जुड़ी कोई बहुत बड़ी बात आपको पता चल सके। आज के हमारे सेगमेंट में हम बात करेंगे नमकीन खाने से आपको किन तरह के नुकसान हो सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन की खास पेशकश सेहतनामा। बार बार नमक की भूख लगना भी एक समस्या है और इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। कई बार शरीर में सोडियम की मात्रा भी काफी कम हो जाती है, ऐसे में भी लोगों को ज्यादा नमकीन की चीजें खाना पसंद आता है। कई बार ज्यादा पसीना निकल जाने की वजह से भी शरीर में सोडियम की कमी हो जाती है। वहीं अगर चिप्स या फ्रेंच फ्राइज खाने के बाद भी अगर आपकी नमक खाने की भूख शांत नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये है कि आपके शरीर में कैल्शियम और पोटेशियम की कमी बहुत ज्यादा है। इससे पहले इन मिनरल्स की कमी को दूर करें, फिर आपकी नमकीन खाने की भूख भी शांत हो जाएगी। इसके अलावा जब आप डिहाइड्रेशन के शिकार हो जाते हैं तो उससे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस बिगड़ जाता है, तो उसे नियंत्रित करने के लिए भी नमक लेने की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। ऐसे में आप नमक लेने के बजाय इलेक्ट्रोलाइट से भरपूर ड्रिंक का सेवन कर सकते हैं। कई बार अधिक तनाव में रहने के कारण भी नमकीन की चीजें खाने के मन करने लगता है, क्योंकि जब आप तनाव में होते हैं उस समय शरीर में सोडियम ज्यादा निकलने लगता है, इसीलिए उसकी भरपाई करने के लिए आपको नमकीन चीजें खाने की भूख लगती है। सबसे जरूरी बात यह है कि बार बार नमक खाने की तलब लगने के पीछे एड्रिनल ग्लैंड का ठीक से काम न करना एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ऐसे में शरीर का एनर्जी लेवल बहुत जल्दी कम हो जाता है। इससे बचने के लिए आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख लाइक और फॉलो करें और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।